लेट्स वोट फॉर आईडी अनबैन। अभी के टाइम पे ये जो कमेंट है वो इतना यूनिक है कि फ्री फायर के सभी यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन के अंदर ये वाला कमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या सच में हमारी आईडी अनबैन होने वाली है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोग क्लियर कर दूं, फ्री फायर वाले बहुत सारी फ्री फायर की आईडी को अनबैन करने वाले हैं, लेकिन सभी प्लेयर्स की आईडी अनबैन नहीं होगी। एग्जैक्टली कौन कौन से प्लेयर्स की आईडी अनबैन होने वाली और कब होगी वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। साथ ही साथ गाइस हम लोग बात करेंगे टाइम लिमिट के बारे में। गाइस अगर आप लोग अभी गेम खेलते होगे और आपका टाइम पूरा हो जाता है तो आप लोगों के सामने ऐसा कुछ पॉपअप आ जाता है और उसके बाद गाइस जैसे आप लोग कंफर्म पे क्लिक करोगे आपका जो आईडी है वो लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग अपने गेम को नहीं खेल पाओगे। तो इस टाइम लिमिट को आप लोगों को कैसे फिक्स करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ध्यान से देखते रहना। चलो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हां, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे यहां से सेट करना ताकि फ्री फायर गेम के अंदर आने वाला ऐसा कोई भी इवेंट या फिर अपडेट आपका मिस ना हो पाए। तो सब्सक्राइब यहां से कर लेना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम लिमिट के बारे में। गाइस देखो, अभी के टाइम पे बहुत सारे फ्री फायर के प्लेयर्स अपनी आईडी के अंदर टाइम लिमिट हटाने के लिए वो लोग अलग अलग ट्रिक को यूज कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो गाइस देखो, आप लोग कोई भी ट्रिक को यूज करने से पहले अपनी आईडी को अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि अभी के टाइम पे आईडी का ही रिस्क है। अगर आप लोग कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करोगे ना तो भाई आपकी आईडी डायरेक्टली बैन कर दिया जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। वैसे तो देखो कुछ कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि यार अपने व्यूज के लिए अपने पैसे के लिए भाई कुछ भी करते हैं। वो लोग बता देंगे कि भाई ऐसा ट्रिक यूज करो, आपके आईडी से टाइम लिमिट हट जाएगा, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा वो आप लोगों को नहीं बताते होंगे और बाद में आप लोगों को भुगतना पड़ता होगा। इसीलिए गाइस किसी भी ट्रिक को यूज करने से पहले उसका नुकसान आप लोग पहले जान लेना, तभी उस ट्रिक को यूज करना, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग वीपीएन यूज करते हो तो आप लोग घंटों घंटों गेम खेल पाओगे और आपकी आईडी के अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं आएगा। लेकिन गाइस जैसे कि अगर आप लोग वीपीएन यूज करोगे ना, किसी दूसरे कंट्री से अपना आईडी को आप लोग ओपन करते हो और गाइस दूसरे कंट्री के अंदर तो एज वेरिफिकेशन है नहीं, ना ही वहां पर टाइम लिमिट है। इसी वजह से आप लोग अपने आईडी के अंदर बहुत सारे गेम्स खेल पाओगे, आप लोगों को टाइम लिमिट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस इससे ना आपकी आईडी इलीगल एक्टिविटीज में आ जाएगा और उसके बाद फ्री फायर वालों की तरफ से आपकी आईडी बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आओगे और बोलोगे लेट्स वोट फॉर आईडी अनबैन। तो ये सारी चीजें कुछ यूट्यूबर्स आप लोगों को नहीं बताएंगे, आप लोगों को खुद से ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ भी फायदे वाली चीज को यूज करने से पहले उसका नुकसान भी जान लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई हम लोग अपने टाइम लिमिट को कैसे बढ़ा सकते हो। तो गाइस मेरे पास ना दो तरीके है जो कि यार बिल्कुल इलीगल है, इससे आपके आईडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला तरीका है नॉर्मल फ्री फायर का। अगर आप लोग नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड कर लेते हो और अगर आप लोग उसको खेलते हो तो उसके अंदर आप लोग कहीं पर भी टाइम लिमिट का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर ना एज लिमिट का अपडेट आया ही नहीं है, तो उसके अंदर आप लोग अनलिमिटेड टाइम खेल सकते। अब देखो कुछ प्लेयर्स मेरे से बोलेंगे भाई फ्री फायर मैक्स के अंदर आया है लेकिन नॉर्मल फ्री फायर के अंदर क्यों नहीं आया। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मल फ्री फायर जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर नहीं है, जबकि फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर के ऊपर है, तो उनको ना गवर्नमेंट का रूल्स मानना पड़ेगा। वैसे तो नॉर्मल फ्री फायर अभी चल रहा है ना, वो कुछ दिनों के लिए चलेगा, जैसे ही फ्री फायर इंडिया आएगा ना तो नॉर्मल फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों का सर्वर क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब गाइस अभी ना आप लोग कुछ दिनों के लिए नॉर्मल फ्री फायर को भी खेल सकते हो, उसके अंदर आप लोगों को टाइम लिमिट नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही फ्री फायर इंडिया आएगा तो नॉर्मल फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों का सर्वर क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब आप लोग इन दोनों गेम को नहीं खेल सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रिक की। अगर आप लोग फ्री फायर मैक्स के अंदर ही खेलना चाहते हो तो गाइस उसके लिए आप लोगों को दूसरा आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोग एक आईडी के अंदर 6 घंटे या फिर 3 घंटे गेम खेल पाते हो तो आप लोग दूसरा आईडी क्रिएट कर लो, उसके अंदर आप लोग 18 प्लस सेलेक्ट कर लेना और दूसरे आईडी से भी आप लोग 6 घंटे तक गेम खेल पाओगे, मतलब आप लोग अनलिमिटेड खेल सकते हो। आप लोगों को 2-3 आईडी क्रिएट करना है, उसके बाद आप लोग पूरे दिन गेम खेल सकते हो, ठीक है। यही दो ट्रिक है जिससे गाइस आप लोग इजीली अपना टाइम लिमिट बढ़ा सकते हो, बाकी और कोई भी ट्रिक नहीं है। अगर आप लोग और कोई तीसरा ट्रिक यूज करते हो, कोई इलीगल एक्टिविटीज करते हो, तो भाई आपकी आईडी भी बैन हो सकती है, तो ये आप लोग अपने रिस्क के ऊपर कर सकते हो। अब गाइस हम लोग बात करते हैं आईडी अनबैन के बारे में। भाई देखो फ्री फायर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी आईडी बैन हो चुकी है, और गाइस अगर आपका जो आईडी हो बहुत पहले बैन हुआ था, जैसे कि 2 साल पहले 1 साल पहले बैन हुआ था, तो वो जो आईडी है वो आपका अनबैन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिसेंटली में आईडी बैन हुआ था, जैसे कि 3-4 महीने पहले, तो गाइस आपका जो आईडी है वो 100% अनबैन होने वाला है, लेकिन कुछ ही प्लेयर्स का होगा, सभी प्लेयर्स का आईडी अनबैन नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स है ना वो अपनी आईडी के अंदर हैक लगाकर खेल रहे थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपनी आईडी के अंदर हैक लगाया तो भाई कोई चांस ही नहीं, भाई आपकी आईडी अनबैन नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स है ना वो बाय द चांस, मतलब कि अगर वैसे ही नॉर्मली खेल रहे हैं और भाई उनकी आईडी बैन हो चुकी है, गलती से बैन हो गई थी, तो भाई वो जो आईडी है वो आपका अनबैन होने वाला है। कुछ प्लेयर्स ना यहाँ पर वीपीएन वगैरह भी यूज किए थे तो उनकी आईडी भी अनबैन होने वाले, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा फ्री फायर वालों को। वो लोग ना अभी डेटा सेंड कर रहे हैं सिंगापुर से इंडिया के अंदर, तो आप लोगों को थोड़ा सा और टाइम देना। और गाइस जैसे ही हमारा फ्री फायर
बार इंडिया आएगा ना, वैसे ही आपका जो आईडी है वो अनबैन कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि धीरे धीरे करके सबकी आईडी अनबैन हो जाएगा, लेकिन गाइस उन्हीं प्लेयर्स का आईडी अनबैन होने वाला है जिसका आईडी जो है वो एकदम से सिक्योर था, उन्होंने कभी भी अपनी आईडी के अंदर हैक यूज नहीं किया था, ठीक है, ना ही जीएफएक्स टूल्स वगैरह यूज किया था। अब कुछ प्लेयर्स मेरे से पूछेंगे भाई टूल्स क्या होता है, तो टूल्स होता है जिससे आप लोग अपनी आईडी के अंदर कुछ सीजन 2 पहन लेते हो, सीजन 1 पहन लेते हो, वैसा कुछ टूल्स वगैरह आता है क्लॉथ्स का भी, तो वैसा टूल्स वगैरह अगर आप लोगों ने यूज नहीं किया होगा तो भाई आपका 100% आईडी अनबैन होने वाला है, ठीक है। और अगर बात करें इसके एग्जैक्टली डेट के बारे में तो डेट तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसी सितंबर मंथ में आपकी जो आईडी है वो अनबैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को फाइनली सारा कुछ बता दिया है, तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।